हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण। तो चलिए पाशंकुशा एकादशी के बारे में सुनते हैं। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्यों का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनके देह में सारे पाप वास करते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। हरिवासर या एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष और 10 पीढ़ी पितृ पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, कौ, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यम को नहीं देखता। इसके अलावा जो व्यक्ति तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। एकादशी तिथि को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी तिथि में नहीं होता है, बल्कि द्वादशी तिथि को प्रातः काल में ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद ही यह व्रत संपन्न माना जाता है। जिसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार विंध्य पर्वत पर महाक्रूर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। उसने बुरे कार्य करने में सारा जीवन बिता दिया। जीवन के अंतिम भाग आने पर यमराज ने उसे अपने दरबार में लाने की आज्ञा दी। दूतों ने यह बात उसे समय से पूर्व ही बता दी तो मृत्यु भय से डर कर वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया और यमलोक में जाना न पड़े इसकी विनती करने लगा। तब अंगिरा ऋषि ने उसे अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्री विष्णु का पूजन करने की सलाह दी। इस एकादशी का पूजन और व्रत करने से वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को गया। तो हम सबको भी इस पाप नाशिनी एकादशी के दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे पापों के शमन के साथ साथ हम अपने हृदय को पद्मनाभ श्री विष्णु के चरण कमलों में भी केंद्रित कर सकें व शनै शनै इसका प्रयास करते हुए जीवन के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की मधुर प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आइए अब जानते हैं इस एकादशी व्रत के नियम और विधि। इस व्रत के नियमों का पालन एक दिन पूर्व यानी दसवीं तिथि से ही करना चाहिए। दसवीं पर 7 तरह के अनाज, इनमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन 7 धान की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। एकादशी तिथि पर प्रातः काल उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु का चित्र एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित कर लें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान के चित्र का गंगा जल छिड़कते हुए भगवान को रोली और अच्छा से तिलक लगाएं। इसके बाद सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें।
घी का दीप जलाकर भगवान विष्णु की आरती उतारें, भोग लगाएं, संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण को दान इत्यादि भी दें। इस पूरे दिन के भगवान विष्णु का ध्यान करें, विष्णु पुराण का पाठ करें और एक समय फलाहार करें।